मन को वश में कैसे करना है? प्रैक्टिस। कैसे? अभ्यास। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। करने से सब होता है। मन को वश में करना, लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, व्यापार में मन नहीं लगता, दुकान में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये जो बीमारी है, ये बीमारी आजकल ज्यादा है महाराज जी, मन नहीं लगता। एक व्यक्ति ने 10 राजाओं को जीत लिया और एक व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया। 10 राजाओं को जीतना कठिन है या मन को जीतना कठिन है? बोलो। इसलिए बड़ा वो नहीं है जो 10-20 राजा जीत ले, 10-20 राज्य जीत ले, 10-20 देश जीत ले, वो बड़ा नहीं। बड़ा वो है जो अपने मन को जीत ले। इसलिए हमारा भारत किसी राजा और राज्य को जीतने पर विश्वास नहीं करता था। हमारा भारत, हमारा देश, हमारे ऋषि मुनि मन को जीतने पर विश्वास करते थे। इसलिए मन को जीतना है। सुखी हो जाएगा वो जो मन को जीत लेगा। और मन को जीतना मतलब जैसा मैं मन को जहां लगाऊं वहां लग जाए। अच्छा, मन को जीतने के लिए और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी? को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताओ, क्या क्या तैयारियां चाहिए? चलो बताओ। जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो अपने मन को जीत पाएंगे, या जिनकी इच्छाएं बहुत कम हैं वो अपने मन को जीत पाएंगे? मन को जीतने में कौन आगे बढ़ पाएगा, ज्यादा इच्छाओं वाला या कम इच्छाओं वाला? बोलो। कम। ज्यादा? कम। इसलिए इच्छाएं कम, तो इच्छाएं ज्यादा हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं, और जिनकी इच्छाएं कम हैं वो लोग। तो काम किस पर करना पड़ेगा? इच्छाओं पर। तो इच्छाएं ज्यादा या कम? की इच्छाएं कम होती हैं। जवानी में इच्छाएं ज्यादा होती हैं और बुढ़ापे में बहुत ज्यादा होती हैं। यदि बुढ़ापा आध्यात्म से नहीं जुड़ा, यदि बुढ़ापा भगवान से नहीं जुड़ा, तब तो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं। धन की इच्छा, भोगों की इच्छा, सब प्रकार की इच्छाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं। हाँ या ना? बूढ़ा आदमी जवानी में इतना पैसा नहीं उसको परेशान करता, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 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 पैसा। बूढ़ा आदमी उसका वश चले तो कफन में भी जेब बनवाए वो। इतना मन ना लगाना सरकार, ये इच्छाएं आपके पतन का कारण बनेंगी। बुढ़ापे में स्त्रियों का सिर हिलता है, तो कैसे हिलता है? ऐसे। और पुरुषों का हिलता? मानो भगवान पूछते हैं स्त्रियों से, क्यों अब आओगी दोबारा? तो स्त्रियां, नहीं 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 आएंगे, नहीं ऐसे पेट भर गया आप प्रभु, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, अब तो अपने चरणों में जगह दो। पुरुषों से पूछते क्यों आएगा? हाँ अभी एक शादी और कराऊंगा। इसलिए पुरुषों का सर ऐसे ऐसे हिलता बुढ़ापे में, इच्छाएं भी और है ना, इसलिए ऐसे ऐसे यस 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 यस। और स्त्रियां, नो 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 ना, एक कहा। इसलिए स्त्रियों का तो पति की सेवा कर ले, उसी में कल्याण हो जाएगा। मंदोदरी के कल्याण में दिक्कत नहीं थी, समस्या तो रावण में थी। मंदोदरी नहीं जाती थी दूसरे रावण के पास, मंदोदरी नहीं जाती थी दूसरे पुरुष के पास, रावण जाता था दूसरी स्त्रियों के पास। हाँ या ना? स्त्रियां तो अपने मन को फिर भी कंट्रोल, स्त्रियां घर पर रहती हैं तो मन भटकने की संभावनाएं कम है। जो ज्यादा बाहर देखता है दुनियादारी को वो ज्यादा भटकाव में रहता है। इसलिए संत लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में, क्योंकि मन वातावरण भी तो हो ना शांत, तब ना मन शांत होगा।
अभ्यास करने से यदि मंदारी बंदर को वश में कर सकता है तो आप भी अभ्यास करेंगे तो आप अपने मन को एक दिन वश में कर पाएंगे। प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे होगा। रोज मन को समझाओ, रोज मन को प्रभु में लगाओ, रोज गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छे काम सत्संग रोज सुनो, धीरे धीरे मन को लगाओ, हर बुराई से निकालो, हर अच्छाई में लगाओ, देखो मन कैसे नहीं वश में होता। यदि बीमारियां हैं तो इलाज भी है। मन का भटकना बीमारी है, और यदि मन बीमारी का शिकार हो गया भटकने का तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसलिए बुढ़ापे में मन भगवान में लगे, जवानी में मन भगवान में लगे, और लड़कपन में मन भगवान।